हाँ तो फाइनली मैंने टेक ओवर कर लिया इसका कैमरा। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, एक नया दिन एक नई शुरुआत, आई होप सब बढ़िया ही होगे। स्वागत है भैया आपका एक और नए व्लॉग में। और यार फिलहाल आज मेरे भैया हैं पंकज भैया, तो उनकी आज सगाई, तो फिलहाल आज हम जाएंगे सिकंदराबाद। हम जाएंगे अपनी गाड़ी से, खड़ी हुई अपनी गाड़ी, तो हम इसी से जाएंगे सिकंदराबाद। फिलहाल मैं, मम्मी पापा और मेरी बहन, हम चार बंदे लोग जा रहे हैं। बाकी और लोग वहाँ पे मिलेंगे, मे भी और मतलब मेरे एक दो दोस्त होंगे, वो भी आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे, तो वो हम आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं घर से, और ये निकाल चुकी है सामान ले कर, ये मना कर रही थी, मैं नहीं क्या है, तो अभी इसको कह रही है कि मैं और तैयार हो जाऊँगी ना थोड़ी सी, जब मेरे को दिखाना। तो चलो कोई नहीं भाई, अब हम चलते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं क्योंकि हम लेट भी हो चुके हैं। इस टाइम टाइम हो चुका है 10:45 बज चुके हैं, हमको 10 बजे तक वहाँ पहुँचना था, बट हम हो गए काफ़ी लेट। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपना सगाई में। पीछे मेरे मैरिज होम, वो सेम वही मैरिज होम है जो हम यश चौधरी की भाई की सगाई में आए थे ना, वो सिर्फ सेम वही मैरिज होम है ये वाला। तो हम आप अंदर से तो दिखाएंगे, आपने देख रखा है। बाकी आकाश है मेरे साथ, अभिनव है मेरे साथ। हाँ अभिनव हेलो कर रहा है, जैकेट देखो, फर वाली जैकेट पहन के आया भाई एटीट्यूड में। आकाश भाई की ये, हम तो भाई भाई करीब, अरे नहीं भाई ये शर्ट देख रहे हो, शर्ट ये 2000 रुपए की शर्ट है भाई की, गरीब मान रहा है भाई तू। बाकी कैमरा भाई के साथ 24 घंटे रहता है, देख सकते हो आप, दिखाओ घुमा के, ये देखो कैमरा, कैमरा भाई मेन है, कैमरा हमें चाहिए फोटोशूट करके इंस्टाग्राम पे, आपको फोटो भी तो देखनी होती है हमारी। तो फिलहाल भाई ये दोनों आप चले अंदर, चले क्या करें, चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलो यार खाना खाएंगे। मैं उस दिन चौधरी के यहाँ कुछ खा नहीं रहा था, आज खाने की जिद कर रहा है यार ये। अभी आने से पहले भी अभिनव से बात चल रही थी, अभिनव ने भी कहा कि आज पहले खाना खाएंगे, बाद में फोटोशूट करें। तो चलो भाई अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं, लोग कुछ लोग होंगे तो आपको मिलवाते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो चलो चलते हैं। Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back. हम आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पर खड़े हुए हैं डैडी, और ये हमारे मौसा जी, मतलब हमारे ये दीदी हैं, उनके ससुर हैं ये। और फिलहाल ये डैडी यहाँ पकड़े, खाना वाना हो गया? हाँ जी खाना हो गया, अभी नाश्ता हुआ है, खाना भी बाकी है। हाँ भीड़ तो काफी लगी रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो भीड़ काफी ज्यादा है, और बस यही है। तो खाना वाना खाएंगे जब दिखाएंगे। डैडी साहब को मिलवा दिया मैंने, अभी मैं आपको और लोगों से मिलवाता हूँ। और ये दोनों देखो भूखे सांड साले खा रहे हैं, ये देखो भाई, खा के दिखाओ तुम। हंस के रहा है, ऊपर देख के दिखाना भाई। तो भाई ये इनका भी खाना वाना चल रहा है, खाना वाना है भाई, भीड़ सी तो ज्यादा हो रही है ना। खाना वाना स्वाद लग रहा है वैसा, कुछ क्या चल रहा है, क्या खा रहे हो तुम, पहले तो ये बता दो। अभी तो फ्रूट से स्टार्ट करा है। ओहो फ्रूट से स्टार्ट किया आपने, काफी क्यूट हो आप भाई, तुम्हारा हेल्थ कॉन्शियस है। भाई के बाल अच्छे लग रहे हैं लेकिन, आज वीडियो में थोड़े कम अच्छे लग रहे हैं लेकिन लाइव देखने में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। क्या हो गया वीडियो? तो फिलहाल भाई चलो कोई नहीं, अभी ने खाने देते हैं, और लोगों से हम जिन जिन से मिलेंगे, जितने को आप दिखा सकेंगे हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे कि कौन कौन है। गाइस मैं आपको मिलवाता हूँ दीदी से, ये है हर्षा दीदी मेरे पीछे, और ये है सोनिया दीदी। तो ये दीदी, दीदी हाय हेलो तो करो, कुछ बोलो भाई। ये मेरी बड़ी दीदी है, मतलब बहुत बढ़िया है मेरे से, तो बहुत दीदी की शादी में हम गए थे। बड़े नहीं है 10-20 साल, नहीं पर है, 5-6 साल बड़े, नहीं 5-6 साल नहीं है, ज्यादा बड़ी है। तो गाइस ये थे दीदी, अभी दीदी खाना खाने जा रहे हो? चल तू भी चल। चलो तो खाना खाने जाते हैं, खाना खाने के बाद आपको दिखाएंगे। और ये है रश्मि दीदी, उन दीदी के बाद ये है दीदी, अब दीदी आप और मैचिंग है, हम दोनों मैचिंग है, देख लो। अब दीदी खाना ना खाया आपने? अब जाओगे खाओगे पहले बताओ। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट, हमारे प्रोफेशनल आकाश भाई फोटोशूट कर रहे हैं। अरे हमारे आकाश, दोनों आकाश भाई है, एक ये आकाश भाई है, एक वो आकाश भाई है। तो भाई देख लो, अब ये चल रहा है भाई फोटोशूट कर रहा है, जिसको फोटोशूट कराना है ना, जो देखो भाई पोज चल रहा है यहाँ, ये पोज आकाश भाई का। तो भाई जिसको भी फोटोशूट कराना हो इस लड़के से संपर्क करें, मैं आपका स्क्रीन पर नंबर डालूंगा भाई का, तो देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी फोटोशूट हो जाते हैं, देखो फोटो दिखा रहा है, मैं भी आपको भी दिखाता हूँ, रुको दिख नहीं रहा होगा धूप की वजह से। चलो भाई फोटोशूट हो जाने देते हैं, अपना भी मैं कराता हूँ, वो भी दिखाएगा, वो आपको कैमरा पकड़ के अभी नहीं दिखाएगा कि मेरा फोटोशूट कैसे होना है थोड़ा बहुत। जी हाँ तो फाइनली मैंने टेक ओवर कर लिया इसका कैमरा, और यार चैनल भी टेक ओवर करने का मन कर रहा है मगर करूँगा ना, भाई के फॉलोअर बढ़ गए ना इसलिए मन कर जाता है। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, तुम्हें मज़ा आएगा देख के, ये देखो फोटो शूट करवा रहे हैं ये लोग। और ये भाई, इन्हें कैमरा पकड़ना ढंग से आता है नहीं,
इन्हें देखो कैमरा कैसे पकड़ा हुआ है, और ये करेंगे फोटो शूट। शक्ल देखो इनकी जरा आप, ये हैं अभिनव जी और ये आर्यन। ये जो होते हैं ना वो निब्बे वाले पोज, वो वाले पोज मारते हैं। देखो ये छपरी वाले, दिखाता हूँ डैब, ये डैब होता है, छपरी वाले पोज मारते हैं। चलो तुम्हें शादी की चीजें दिखाता हूँ, ये बोर कर देगा वरना। इधर ये फ्रूट वगैरह का है स्टॉल, यहाँ पे काफी सारे फ्रूट्स हैं, जनता खा रही है। भीड़ देखो, भीड़ कितनी ज्यादा है, काफी लोग अभी खा रहे हैं। ये मान लो हम 2 घंटे पहले आए हैं, 2 घंटे से ये भीड़ खत्म नहीं हुई है, कंटिन्यू लोग आ रहे हैं खा रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा है। और ये शादी है, इंगेजमेंट है, तो इंगेजमेंट में इतना ज्यादा पब्लिक है। आर्यन तो चला गया, अब हम चलते हैं खाना वाना खाने में, तो मैं खाने वाने का टूर करवा देता हूँ थोड़ा। अब ये रहा मेरे साथ अभिनव, अब हम दोनों ही ब्लॉग का आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे तो कंटेंट मिल नहीं रहा, तो फाइनली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम आपको खाना वाना दिखाते हैं। तो अभिनव भाई क्या खाओगे और हम मुझे क्या खिलाने वाले हो? अब देखते हैं इधर की तरफ, अभी क्या क्या है खाने के लिए। किधर की तरफ? इधर की तरफ ही देखेंगे क्या क्या खाने के लिए सामान है। हाँ, उसके बाद ही। तो अभिनव भाई हमारे जा रहे हैं, यहाँ पे चिल्ला बन रहा था, वो अभी बन नहीं रहा, खत्म हो गया। ये रहा, और ये पाव भाजी की भाजी है, ये पाव भाजी है। अभिनव कहाँ गया? वो रहा, एक तो इसकी हाइट इतनी कम है, खो जाता है, दिखता नहीं है। ये देखो चाउमीन वगैरह से है, और ये अभिनव भाई चाउमीन लेंगे। अभी फास्ट फूड खिला रहे, जितना ज़्यादा खा सकते हैं। ये कितनी सारी चाउमीन ले रहा है, मतलब 2-3 दिन का कोटा पूरा कर रहा है ये बंदा आज। ये देखो कितनी सारी चाउमीन लेके आया है, ये नहीं कि थोड़ी सी खा ले इंसानों की तरह, ढोरों वाली तरह खा रहा है। मतलब क्या सॉस भी चाहिए तुम्हें चाउमीन में? वाह। तो देखो ये चाउमीन लेके आया साइड में, चाउमीन देखो इसकी, यार कितना ज्यादा इसमें विनेगर डाला हुआ है। खाओ भाई, सोया सॉस भी पील के डाला हुआ है। ओए होए, कितने स्वाद से खा रहा है, मतलब शर्म नहीं आ रही। मतलब सामने एक लौंडा वीडियो बना रहा है और तुम खाए जा रहे हो, पूछ नहीं रहे एक बार। क्या क्या बोल रहे हैं भाई? भाई का फोकस खाने पे, ये नहीं कि एक बार पूछ लिया। अब आकाश भी टेस्ट करके बताया कैसी बनी है, मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो यार टेस्ट करते हैं कैसा है, अभी हम तो कह रहे हैं कि अच्छा है। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं भैया को रिसीव करने, पंकज भैया जिनकी एंगेजमेंट है। तो अभी हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं, ये गली ये पीछे जाती है, जो पीछे रास्ता जा रहा है ये जा रहा है वहाँ पे मैरिज होम पे। तो ये देखो ये आर्यन जा रहा है बाइक पे, तो और आगे देखो ये अंकल जी जा रहे हैं, आर्यन के पापा और अभिनव। तो यहाँ से हमें ढोल वोल की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है, ये गली जाती है उनके घर की तरफ। तो बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होती है, घोचड़ी वगैरह फलाने का जो भी होता है, मुझे उतना कुछ पता है नहीं, मैंने ज़्यादा शादी अटेंड करी नहीं अपनी लाइफ में, तो मेरे लिए भी कोई नया सा एक्सपीरियंस है। बाकी आपको भी दिखाते हैं, जो बाहर के लोग हैं व्लॉग देखते हैं वो आप देख लो यूपी की साइड में कैसे कैसे होती है शादी वगैरह एंगेजमेंट वगैरह। तो आज एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट में जा रहे हैं घर से जाके, अभी हम मैरिज होम तक जाने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ, छोटे में सारा कुछ दिखाऊंगा।
I don't get what you're saying. All of these games you're playing. Can't buffer in your message. No, I'm not here for your show. Wasn't asking. What you're taking? I've been sipping cause I'm making. No regrets, I'm not assistant. Just gonna be what you wear. I'm not missing. मेरे से बोला भी नहीं जा रहा आज का ब्लॉग सारा काश सामान लाया आज का और फिलहाल अभी यहाँ तक खत्म हो गया अब आगे दिखाएगा अब आगे हो रही है सगाई तो मैं आपको सगाई दिखा देता हूँ डांस करने के बाद आ जा तो गाइस अभी देख सकते हो ये हो रही है सगाई इधर वो बैठे हुए भैया तो चलो काम हो जाने देते मैं भी थोड़ा सस्ता रहता हूँ उसके बाद में आपसे बात करेंगे हम मेरे पीछे नया दीदी और नया दीदी आप लोगों को कुछ कहना चाहती है तो आप इनकी बात सुनो क्या कहोगे दीदी बोलो सो गाइस आई जस्ट वुड लाइक टू से दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और दीदी ये लोग बहुत मेहनत करते हैं हमारा बहुत बहुत मेहनत कर रहा है इसे थोड़ा सा इसका सपोर्ट करो बच्चे का और दीदी इंग्लिश इसलिए बोल रही है क्योंकि दीदी टीचर है आकाश इंस्टीट्यूट में जिसको कोचिंग लेनी है आप ले सकते हो ये भी बात है एडमिशन टाइम चल रहा है मैं प्रमोशन करता हूँ फ्री में दीदी का चलो अब आपको कार्यक्रम दिखाते हैं तो यार अपना सगाई हो चुकी है कंप्लीट खत्म हो चुकी है और हम मतलब हो गई है सगाई और हम लोग काफी थक गए हैं यार बड़ा थकावट आप हमारे चेहरे से दिख रहा हो मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत हंस रहा हूँ भाई तो बिल्कुल डाउन हो चुका है बिल्कुल ही क्योंकि यार डांस वांस हमने ज्यादा कर लिया और आज का पूरा क्रेडिट जो शूटिंग का पूरा क्रेडिट जाएगा वो था किस किस को जाएगा एक तो आकाश को जाएगा एक इसको जाएगा आकाश को तो आप लोग जानते ही हो मुझे पता ही आज तो मैंने देख भी लिया कि लोग आकाश को मेरे जितनी फैमिली मेम्बर सब आकाश को जानते ही अच्छे से बाकी अभिनव भाई है तो आज का सारा क्रेडिट इन दोनों को जाता है और यार अभी फिलहाल कुछ नहीं मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ अभिनव को घर छोड़ने के लिए ऊपर से मैंने सोचा मैं इनका थोड़ा सा घूम लूंगा अपनी कलर नहीं है बचपन यहीं पर गया था ये देखो सामने आपको दिखाऊँ डिवाइन स्कूल है यहाँ पर मैं पढ़ा नहीं हूँ बट यहाँ पर लोग पढ़ते थे दोस्त वगैरह तो फिलहाल यही है अभिनव भाई आप कुछ कहना चाहोगे आज आपको कैसा लगा आज मज़ा तो बहुत आया लेकिन आज थक बहुत गए यश चौधरी वाली में इतने नहीं थके थे ना हाँ जितना आज थक गए ना इसमें एक तो वीडियो शूट में भी और भी फोटो सेशन भी उस बार से अच्छा हुआ है आज का हाँ भी आज बहुत ज़्यादा लिया पिछली बार से वही वही प्लेट व्लेट भर के बैठ गए थे भाई ये वो तो ट्रैक्टर निकल रहा है देख सकते हो आप तो फिलहाल भाई यही है बस बाकी अभी इसको घर छोड़ के आता हूँ मैं फिर अब हम शायद हम भी अपने घर के लिए निकल जाएंगे आज तो बाकी जो भी होगा देखते हैं क्या और कुछ कहना चाहेगा भाई तो नहीं बस आज बस लोग जितना हो सके जिन लोगों को भी शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि हम फेमस हो जाएं तो चलो
तो चलो गाइस ठीक है, मैं पहले से छोड़ आता हूँ पैदल पैदल। बाय बाय बाय, अभी ना भाई नहीं मिलेंगे अब आपको। तो फिलहाल यार अब हम जा रहे हैं अपने घर, और अभी फिलहाल हमें टोल पे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पता नहीं, यह है इंडस्ट्रियल एरिया के पास टोल पड़ता है, वो है यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे हमेशा जाम ही रहता है। और फिलहाल डैडी कर रहे हैं ड्राइव क्योंकि मैं थोड़ा थक गया था। तो चलो गाइस निकल जाते हैं यहाँ से, निकलने के बाद आपसे बात करेंगे। फिलहाल भाई मैं आ चुका हूँ घर, और आज की सगाई में, भैया की सगाई में बहुत मज़ा आया। फंक्शन में सारे फैमिली मेम्बर्स मिले, काफ़ी डांस वांस हमने किया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा आज का फंक्शन, मतलब मज़ा सा आ गया पूरा। और आज का क्रेडिट आधा तो मेरे को जाता ही है, वो तो हमेशा ही जाता है, लेकिन आधा क्रेडिट मेरा जाता है वीडियो शूट का आकाश को और अभिनव को। इन लोगों ने भी काफ़ी मतलब मेहनत की है इस ब्लॉग को बनाने के लिए। तो और अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं पिछले 2 दिन से ना सोया नहीं हूँ क्योंकि रिसर्च कर रहा हूँ मैं, बस 2-2 घंटे 4-4 घंटे सोया हूँगा मे बी। तो भाई अभी भी मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो रही है, बट मैं सोऊंगा नहीं क्योंकि भाई हमें करनी है मेहनत, मतलब हमें ब्लॉग एडिट करना है अभी, अपना ब्लॉग हमें डालना भी है। तो अभी मैं तो यार जगा रहूँगा फिलहाल। तो यही है कि आप लोगों के लिए, ये सब मेहनत होती है सब आप लोगों के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दिया करो, आज तो दीदी वगैरह सब ने बोला है तो अब उनकी बात मान लो, मेरी ना मानो तो करा करो। तो गाइज बस यही था, अभी शादी होगी, शादी का ब्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगा, मे बी हो सकता है शादी का ब्लॉग इससे भी अच्छा बनाएंगे हम लोग। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फैला दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।